नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपको किसी प्रकार की एलर्जी कैसे होती है, नशे से आप कैसे उसके अधीन हो जाते हैं। कई लोग कामुकता के प्रति अधीन हो जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना, जीवन की शुरुआत, जीवन की प्रयास या जीवन की घटना हमारी जीवन रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, विचारों की रेखा, मन की गहराइयों की बात करने वाली रेखा, जिसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी दिल की रेखा, जिसको हम हृदय रेखा की बात करते हैं, प्यार के आगोश के बारे में बताती है, प्यार की प्रबलता के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हमने बात की है एलर्जी, नशा या किसी चीज को कैसे हमारी मन की स्थिति को कमजोर करता है। सबसे पहले ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं। चंद्रमा का पर्वत कहते हैं ना कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। अच्छी बातें करना अच्छे चंद्रमा की बात होती है, अगर बुरा चंद्रमा होता है, बुरे लक्षण हो जाते हैं उसके ऊपर, तो मन की बातें कहने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मन ही परेशान हो तो हम बात को क्या कह सकते हैं, वो हमारे चंद्रमा का क्षेत्र होता है। लेकिन कामुकता की बात, नशे की बात, एलर्जी की बात, जब भी एक रेखा इस हमारे चंद्र पर्वत के क्षेत्र से, ये चंद्र का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से एक रेखा इस केतु के क्षेत्र पे ऐसी मिलती हो, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, किसी ने किसी एलर्जी से, जैसे कि कहते हैं कई लोगों को फूड पॉइजनिंग खाने से उनको जहर बनते हुए देखा होगा, या थोड़े से मौसम चेंज होते हुए सर्दी जुखाम नजला इन चीजों की दिक्कतें होते देखा है, तो आप तो उनके हाथों में ऐसा चिन्ह होता है और ये संकेत देता है। और इसी के साथ जब भी हम कामुकता की बात करते हैं, कामुकता इंसान को पागल कर देती है। जब भी कामुकता की बात करते हैं तो इंसान अपने उस भावुकता को पाने के लिए, कामुकता के लक्षण अगर आपके हाथ में ऐसे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इस तरफ खींच के लेके जरूर जाता है, स्त्री के वशीभूत कर देता है अपनी हर उस इच्छा को पाने के लिए। वो कहीं ना कहीं शुक्र के पर्वत से, ये रेखा, ये शुक्र के पर्वत की रेखा ऐसे चलती है और ये चंद्र के पर्वत के क्षेत्र तक जाती है। ऐसे लोग कामुकता के शिकार होते हैं और ये इसका तब और लक्षण बढ़ जाता है जब इसकी प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये हाथ का जो अंगूठा है ना, कहते हैं हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है, हमारे मजबूती के बारे में बताता है। अगर ये अंगूठे का जो फिंगर है बिल्कुल सीधी है, ऐसे लोगों का आपने देखा होगा डिसीजन झुकने वाला नहीं होता। लेकिन अगर ये अंगूठे का पर्व जो है नीचे की तरफ झुकता हो, ऐसे लोगों का जो डिसीजन होता है वो
हमेशा झुक जाते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। ज्यादा आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर फ्लेक्सिबल अंगूठा है, अब इसको हम कह सकते हैं दबा है या छोटा है, मजबूत नहीं है, और इसका जो आकार भी है वो कहीं ना कहीं ये सेकंड पोर को मांसल कम है, और इसके अंगूठे की जो आकृति है वो काफी छोटी है, तो ऐसे लोगों का जो विचार होता है वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे लोग नशे के आदि कह सकते हैं, और दूसरी इनको इन चीजों से इनको सेवन करने में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स तो जरूर आएंगी। और ये चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है तो यास की शक्ति कमजोर कर देती है ऐसे लोगों को, और सेहत के मामले में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो इनको किसी न किसी चीज का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।